दोस्तों, हर क्लास में मेनली दो किस्म के बच्चे होते हैं। पहले वे जो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज होते हैं, और दूसरे होते हैं वीक स्टूडेंट्स, जिन्हें एवरेज स्टूडेंट्स का टैग दिया जाता है। ये बच्चे पढ़ने में ना तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं और ना ही बहुत वीक होते हैं। इनके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई से इतना भागते हैं कि वे सुसाइड्स को इससे बचने का सॉल्यूशन समझते हैं। भारत में अक्सर ये चीजें देखी जाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बता दिया जाए जिसे फॉलो करके आप भी एग्जाम से ठीक पहले अच्छे से तैयारी कर पाए। आज मैं आपको उन टॉपर्स की ऐसी कुछ सीक्रेट्स बात बताऊंगा जिनका यूज करके आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 7, प्रॉपर प्लानिंग। दोस्तों, किसी भी काम को करने का जो पहला स्टेप्स होता है वो है प्लानिंग। बिना प्लान के आप किसी भी एक जगह ज्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ पाओगे। अगर आप भी काम को करने से पहले प्लानिंग नहीं करते हैं तो याद रखिएगा कि बिना प्लानिंग के कुछ भी प्लान करना आपको बस बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आप भी कभी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको प्लान करना होगा कि आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं और किस किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, और अपने सिलेबस को अच्छी तरह एनालाइज करें कि सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर को देना है, और फिर उन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान दें। और कभी ये मत करना कि एक ही बार में सब चैप्टर्स पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, जैसे एक हफ्ते में दो चैप्टर्स खत्म करना है, और अपने टारगेट्स को पर डे के हिसाब से भी छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, एक दिन में मुझे केमिस्ट्री के इस चैप्टर को कंप्लीट करना ही है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा नहीं आएगा, बट कभी तो आपको आएगा ही। और जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े तो अपने साथ उस चैप्टर को यूट्यूब पर किसी अच्छे टीचर से पढ़ो। अगर आप ऐसा रेगुलर करोगे तो आपको धीरे धीरे पढ़ाई में मजा आने लगेगा, और जैसे जैसे अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे आपको गोल्स को अचीव करने की एक लत लग जाएगी, और फिर आप इंटरनेट के साथ इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। नंबर 6, नेवर स्टडी द डे बिफोर एग्जाम। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल को छोड़ के एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि पूरा सिलेबस एक ही रात में खत्म कर दूंगा। जो चीज पॉसिबल तो है, लेकिन उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक साइड आप पढ़ते जाओगे और दूसरे साइड आप सारा कुछ भूल जाओगे। दोस्तों, आपको एग्जाम वाले दिन या उससे एक दो दिन पहले पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको एग्जाम के एक महीने पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अभी तो पूरा साल बाकी है और अभी से पढ़ाई करके क्या करेंगे, और उसी चक्कर में वे लोग साल भर मस्ती करते रहते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनके ऊपर इतना पढ़ाई और एग्जाम का प्रेशर हो जाता है। कुछ बच्चे पढ़ के इस प्रेशर से तो निकल जाते हैं, वहीं कुछ बच्चे इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि वे सुसाइड तक कर लेते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपना एक शेड्यूल बनाइए और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करिए। ऐसा करते रहने से जब आपका एग्जाम आएगा तो आप लगभग सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके होंगे, तो बस आपको रिवीजन करना होगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप साल भर पहले से पढ़ाई करते हैं तो पेपर के टाइम पे रिवीजन करने में भी आपको काफी मजा आएगा। आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, और ऐसे में आपके ऊपर पेपर का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा, और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपके स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन नोट कर लीजिए, और हो सके तो रिवाइज भी कर लीजिए। अपने सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ते रहिए, और इस तरह आप पेपर से पहले ही सब कुछ, मतलब सारा सिलेबस खत्म कर देंगे और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। नंबर 5, कोई भी नई चीज सीखने के बजाय उस पर ज्यादा फोकस करें जो आपने पहले से पढ़ी है। दोस्तों, एग्जाम के समय अगर आप किसी नए क्वेश्चंस को सीखने में अपना टाइम बर्बाद करोगे तो ना तो इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि ऐसे में वो सारी चीजें भूल जाओगे जो आपने पहले से पढ़ी हुई। इसलिए एग्जाम के समय सबसे पहले उन चीजों को रिवाइज करना चाहिए जो आपने पहले से ही पढ़ रखी है, और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। नंबर 4, क्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से ठीक दो दिन पहले 10 तरह की किताबें पढ़ के खत्म कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि एग्जाम के समय क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। एग्जाम के समय कुछ भी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है या आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। नंबर 3, फोकस ऑन योर हेल्थ।
दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम के टाइम बहुत से स्टूडेंट्स दिन रात एक करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में वे बीमार हो जाते हैं और फिर आगे क्या होता है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए दोस्तों एग्जाम के टाइम अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पेपर देने शहर से बाहर जाते हैं और पेपर से ठीक पहले जंक फूड जैसे चाय समोसे कचौड़ी खा लेते हैं और फिर पेपर के टाइम भी नींद सताने लगती है। इसलिए पेपर के टाइम पर अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, एक्सरसाइज करते रहे और अच्छे अच्छे भोजन खाए। नंबर सेकंड, सॉल्व लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर। अब चाहे हम इसे फोकस का नाम दें या प्रिंसिपल का, क्योंकि सिलेबस का कुछ पोर्शन बाकी पोर्शंस के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सैंपल पेपर उठाओ और उसे रटने लग जाओ, मेरा मतलब है कि आप उस सिलेबस का पोर्शन उठाओ और उस कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझो और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से रट डालो, यानी कि उसे सॉल्व करो। ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट करके आप अपना पूरा सिलेबस ही खत्म कर लोगे। और इस टिप का सबसे बड़ा ये फायदा है कि इस टिप ने हमारे सिलेबस को ऑर्गेनाइज करवा दिया है और हम अपने सिलेबस को मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन पहले खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि अगले आने वाले क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। अब एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे पास बहुत टाइम बचता है कि हम बाकी के पोर्शंस को भी अच्छे से कवर करें। और हाँ दोस्तों, टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट्स भी यही है कि वो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ते हैं, तो आप भी इसको पढ़ना ना भूलें। नंबर 1, एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5। ये पॉइंट कहता है कि जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हम उस कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में किसी दूसरे को नहीं समझा पाते, इतनी सिंपल भाषा में ताकि 5 साल के बच्चे को भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। होता ये है कि जब भी हम में से मैक्सिमम लोग नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि जब तक हम कोई बड़ा नया साइंटिफिक वर्ड या कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं यूज करेंगे तब तक बाकियों को ये नहीं लगेगा कि हमें ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ यू कैनॉट एक्सप्लेन इट सिंपल You don't understand it well enough। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाई होगी और आपको कोई ना कोई बेनिफिट्स भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा ताकि उन्हें मदद मिल सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि ये सारी टिप्स को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें जब जब आपका एग्जाम आएगा तब। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने में और डिफिकल्टीज आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है, उसको आप देख सकते हैं।